एफर्ट होता है। शाजमान है ये तो, जी जी सबकी जान है, हमारा भतीजा भी है ये। तो आपका पापा के अलावा कौन सा फेवरेट सिंगर है? ओए ओए बहुत जो जड़ा अबू दा गाना बंद करके थे वो सुन दे ये कोई पहले पूछे पूछे। अच्छा जी, कि मेरा फेवरेट पाकिस्तान में सिंगर कौन है? आपका फेवरेट सिंगर कौन है? पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक ही नाम जिसने इतने सुपरहिट गाने दिए हैं, कोई भी फ्लॉप गाना नहीं दिया, मिस्टर वारिस बेग। और आप मेरे लिए तो उस्ताद मुसफ्फत अली खान साहब। ये तो हो गया ना कार दा सरन। ऐसा तो नहीं है कि मैं इनके गाने बंद करके वो गाने सुनता हूं उनके। नहीं नहीं, वो तो इन्होंने एग्जैजरेट किया। आशा जी, लता जी, मैडम नूरजहां, किशोर कुमार साहब, इनके इस जॉनरा के मुंडा आगे निकल गया जी। नहीं, मगर मुंडे को वापस लेकर आते हैं, हमें बताएं जो अभी आजकल हैं, कोई तो होंगे यार। ऑनेस्टली मैं आजकल के गाने नहीं सुनता है, नाम मुझे पता है लेकिन मैं ऐसे लूंगा तो अजीब है। लेकिन आई डोंट लिसन टू, यू डोंट लिसन टू न्यू एज, आई जस्ट लिसन टू माय डैड, माय फैमिली म्यूजिक। मेरा इंटरेस्ट नहीं है कुदरती, बस क्लासिकल सिंगिंग और ओल्ड स्कूल में आप ज्यादा है। ओल्ड स्कूल में, या ओल्ड स्कूल में आप। मैं एक चीज में ऐड ऑन करना चाहूंगा, जो कि बहुत अच्छे जो शाजमान सिंगर पाकिस्तान में भी हैं, जो शायद आप नहीं सुन रहे हो, बट आई विल से कि इसमें नबील शौकत है, नबील बहुत अच्छा आवाज, और आसिम अजहर का बहुत अच्छा आवाज, बहुत अच्छा गायक है। एंड अमार बेग, वो वेस्टर्न गायकी भी इतनी खूबसूरत गाता है और गजल गायकी भी इतनी खूबसूरत गाता है, और इट्स अ पैकेज एक्चुअली। अमार बेग इज द बेस्ट सर। लेकिन आपके दिल के करीब जो सॉन्ग है वो आप हमें गुनगुनाकर सुनाएं। दिल के करीब वाला गाना सुनाएं जी। वो सैड सॉन्ग है, चलिए आप हमें सैड कर दें, तैयार है सैड होने थोड़ा वो। खान साहब, ये हमारे पास अक्सर गेस्ट ऑडियंस आती हैं और उसमें कुछ लोग गाने का कहते हैं कि जब हमने गाना गाना है तो आई थिंक 70% एवरेज इसी गाने की निकलती है। अच्छा जी, शुक्रिया जी। और ये जैसे ही गाना गाया है वो भी कमाल, इसकी मेलोडी नवीद ने बड़ी जबरदस्त, और फिर जिसकी पोएट्री खलील साहब ने लिखी, और ऊपर से जो क्या बात है, आई नीड अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर खलील रहमान कमर। खलील रहमान कमर साहब ने जिस दिल से लिखी और उसके बाद जिस तरह ये फिल्माया गया और जिस तरह इस पे वो, फिर आपको गाना सुनते ही मायूसीत का मुंह याद आ जाता है, वो दारो कतार रो रहे होते हैं और वो औरत उनको छोड़े आपको तकलीफ महसूस हो रही होती है उनकी। आपने वैसे ड्रामा देखा हुआ पूरा? नहीं, मैंने नहीं देखा। आपने नहीं देखा उम्र कभी? ये तो देखिए, आपने जिसमें इतनी आवाज का जादू जगाया है उसके पीछे हो क्या रहा था एक्चुअली ड्रामे में, वो इतना बड़ा हिट। मैंने इसके 6 अंतरे गाए हैं, मुझे ही तो ये गाना याद होगा। वही मतलब एक वो सीन उन्होंने उसके अंतरे लिखे ना थे। ये मेरे दोस्त की अजीब और गरीब प्यारी आदत है कि वो जो है उनसे स्टोरी लिखवाने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो वो 3 अंतरे जो है वो बाद में आए। हाँ। जब वो डेथ वाला सीन है बहुत बाद में आए, तो अब वो गाना तो माशाल्लाह वो चल रहा था बहुत ज्यादा, पाको हिंद में चल रहा था। बिल्कुल। नवीद भाई दोबारा से आए, खान साहब वो बड़े जरूरी है वो अंतरे करने हैं। मैं कहा गाना नहीं करना, गाना तो हो गया हुआ, अंतरे करने हैं। मैं कहा कौन से? मेरे पास तो मौके। मैं कहा भाई यार वो तो हो गया है यार। नहीं नहीं नहीं, ओ मौतला नहीं होया हमसे। ओ मरदा पिया है। तो तीनों हजरात, खबरों का वक्फा लेना पड़ेगा, कहीं मत जाइएगा, हम वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक वंस अगेन टू गपशप, और वहीं से शुरू करते हैं सिलसिला जहां पे हमने खबरों से पहले छोड़ा था। सर अजय खान साहब, तुसी जिन्ना माशाल्लाह सफर कीता है, कोई जहाज कोई ऐसा वाकया कि बड़ा मजा ही आया या कोई इस तरह का? बिल्कुल, आपने याद करा दिया, मेरा दोस्त है सीनियर पायलट्स में से, जब भी देखते ना मुझे यार पता लगे यार रात पीछे बैठा है उन ब्ला उनके अंदर आए थे कॉकपिट चा। अब वो फैन है मोहम्मद रफी साहब का, भाईजान उसने तुम जो मिल गए हो शुरू किया, इतना खो गया कि रनवे आ गया। मैं कहा ये बात कर ये जहां मिल गया। मैं कहा कैप्टन साहब बंद करो गाना यार, मैं उधर रनवे आ गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान अब्दुल्ला, मेरी तरफ से आप सबको दिली ईद मुबारक, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सर आपका जो तलक है वो फैसलाबाद लायलपुर से है, तो लायलपुर जो है वो जुगतों की वजह से बहुत मशहूर है, तो क्या आपको जुगते आती हैं? मैं सही तो जा रहा है, मेरी जान तो पता नहीं लग रहा है। दान साहब आपका ताल्लुक किधर से है? मेरा ताल्लुक सर शेखुपुरा से है। शेखुपुरा से, और ये आपने जो मूछें रखी हुई हैं बड़ी जबरदस्त हैं। थैंक यू सर। ये कितने अरसे सर इस पे काम हो रहा है? सर इस पे तकरीबन 10 साल लग गए। 10 साल? और ये इसकी तरमीम और आरइश में काफी लगता होगा टाइम शाइम तो? जी सर बिल्कुल।
और कितना टाइम लेती हैं ये घर निकलने से पहले? बाजी बाजा साहब ये होती हैं झुकते और मैं फैसलाबाद से नहीं हूँ। तो सर हम आपसे झुकते भी सुनना चाहेंगे। मेरी तरफ से कैसर भाई आपको जो पैदा होया ना तो इन्होंने वाल साहब ने पस्तौर रख लिया। क्यों कहते जो मेरा लिए हो सकता तो मेरे कुछ भी हो सकता। अस्सलाम वालेकुम सर। सर सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको और शाहजमान को बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि पूरा पाकिस्तान आपसे प्यार करता है, आपके ट्रैक्स आपके सॉन्ग सुनता है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अपने फ्री वक्त में किसके सॉन्ग सुनते हैं या कौन सा ऐसा सिंगर है जिसको आप पसंद करते हैं? ज़्यादातर जो है वो मैं अपने गाने नहीं सुनता, तो वो बहुत रेयर होता है कि मुझे मैंने कोई नई कंपोजिशन की, हमने नया गाना गाया तो उसके नक्श निकालने के लिए हम लोग सुनना शुरू कर देते हैं उसको, या वो बहुत अच्छा एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी गाना क्रिएट हो गया तो उसको सुनना शुरू कर देते हैं हम। फुर्सत के लम्हे मैं या तो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब को सुनता हूँ, मगर ज़्यादातर मैं उस्ताद मेहंदी हसन खान साहब को सुनता हूँ। माई ऑल टाइम फेवरेट मेहंदी हसन साहब। सफ़र करते हुए ऐसा सुकून मेहंदी हसन साहब की आवाज़ में है। ये बात शाहजमान से एक सवाल मेरे दिल में है सर। इस वक्त ना जी पूरी दुनिया के अंदर मैंने देखा है कि जो हीरोज़ हैं वो सिंगर ज़्यादा हीरो हैं, तो शाहजमान के दिल में भी कभी ये ख्याल पैदा हुआ कि भाई सिंगर भी है और फिल्म का हीरो भी हो? नॉट रियली, कभी हीरो बनने का हुआ नहीं, सिंगर बनने का है क्योंकि शौक है। आपने करनी है फिल्में इंशाल्लाह? देखते हैं आप फिल्में ड्रामे वगैरह? ज़्यादा नहीं, मैंने लिटरली आई डाउनलोडेड नेटफ्लिक्स ठीक है जस्ट फॉर इर्तुगरुल। अच्छा, उसके मैंने वो खत्म किया, उसके बाद मैंने नेटफ्लिक्स में भी कुछ नहीं देखा। से कोई कभी फिल्म वगैरह कोई शौक नहीं है? अब्बा के इतने गाने हैं वो जो आते हैं फिल्मों में इतने पिक्चराइज हुए हुए हैं तो वो देखते नहीं कभी? गाने सुन लिए, मतलब गाने देख रहे हो फिल्म में, अगर हीरो हीरोइन पे पिक्चराइज हुआ होगा ना डिफरेंट है, मैंने इसको देखा है। ये मेरे गाने भी नहीं सुनता ज्यादा, ये उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की कवालियां, इसका ज़हन इस टाइप ऑफ नाल। जो उसी पूछना चाह रहे हो जो राज साहब नहीं होंगे उदो पूछांगे, कल मैं बुलावांगे ना यार सर, कल्ले लोग भी इत्थे नहीं दस सकदा। बेसिकली पॉइंट ये है कि अगर आपने पूछना है तो आप अलग से पूछ ले, आप ये जो कैमरे बिठा के कर रहे हैं। मगर खान साहब ये बताएं आप सर देखते हैं कोई फिल्म ड्रामा वगैरह? जी और आप ये नहीं कह सकते? नहीं, मैंने देखे मैंने बिल्कुल मैं देखता हूँ। मैंने जो क्लासिक पीटीवी के ड्रामास हैं ठीक है वो, क्योंकि अब नेट पे पड़े हुए हैं, और हमारे बचपन की एक याद अंधेरा उजाला, अंधेरा उजाला मैं शुरू करते हो, मतलब जो वो करमदाद साहब हैं उनका वो मजा आता है। बड़ा अरसा हो गया तुमको पकड़े हुए, क्यों नहीं सामने आते हो तुम? अच्छा देखते हैं और फिल्में वगैरह भी कभी को गुजरती नजर? जी हाँ जी, फिल्में मैं देखता हूँ। आप तो फ्लाइटें इतनी लंबी लंबी ले रहे हो तो उसमें बंदा कितनी देर सो अच्छा सकता? फ्लाइट में मैं सो जाता हूँ। इतनी देर सो ले? फ्लाइट में मैं सो जाता हूँ। ठीक है, तो यार वहाँ पे नहीं होता तो वैसे आप फिल्में वगैरह? हाँ फिल्म कोई लगा ले नहीं, जो बोर फिल्म लगनी चाहिए जरूर। अच्छा, बोरियत वाली फिल्म लगा के तो फिर नींद सो जाना। वाह वाह वाह, तो आखिरी बार आप कब सोए थे जहाज में? कौन सी फिल्म चल रही थी? जवानी गिरनी आनी। बिल्कुल सही कहा आपने। मगर कोई वैसे फेवरेट एक्टर्स आपके कौन से हैं? फेवरेट काम आपको पसंद हो एक्टर्स? दिलीप कुमार साहब, राज कपूर साहब, ये एक सतून है एक्टिंग के, नो डाउट। अशोक कुमार एंड देन उसके बाद बच्चन साहब, अमिताभ बच्चन साहब जी। और एक्ट्रेसेस में कोई? तो अब ये थोड़ा पर्सनल बात है, क्या एक्टर्स का क्या बताएं? आप कह दें मीना कुमारी मधुबाला, मैं कौन सा? मीना कुमारी साहब इंटेलेक्चुअल एक्टर, मधुबाला ब्यूटीफुल। और ना जो पूछ रहे जिन्हें शनाख्ती कार्ड होने बने हैं कंटेंपरेरी एक्ट्रेसेस और एक्टर्स। और उसके बाद जो है वो शर्मिला टैगोर साहब, देन रेखा जी, जिनको काम आता है। मैं देख रहा हूँ कि आप काम से बहुत चलाकी से ना 80 की हाइट आप नहीं रहे हैं। क्या बात, यानी कि अब तमाम 80s पुरानी वाली एक्ट्रेस बता रहे हैं। तो वो रेखा का नाम लेने दिया, अभी तक वो पसंदीदा एक्ट्रेस हैं वो। आजकल कोई और एक्ट्रेसेस नहीं, कोई करीना कपूर, कोई जी वो अब आगे वही चीज आ रही, कोई माहिरा खान, कोई महवेश हयात, कोई आजकल जो काम कर रही है ये एक्ट्रेसेस? ये तो यार हमारे पाकिस्तान की एक्ट्रेस, ये तो इनका तो जवाब ही नहीं है। नहीं नहीं, मगर आप नाम नहीं ले रहे ना, आप वहाँ वाली का ले रहे ना यहाँ वाली, आजकल की कोई नहीं, कोई हयात एक्ट्रेस नहीं आपने अभी तक बोली? महवेश हयात, माहिरा खान, ये सारे बड़े अच्छे हैं। क्या बात है, नहीं अच्छे तो है। आपको कौन सी पसंद है इनमें से बच्चे को?
बच्चा कह रहा है पूछे भाई, जितने भी राहत भाई के गाने बेहतर से बेहतर है माशाल्लाह, और उमदा गाने हैं, लेकिन मेरा एक फेवरेट गाना है, मैं चारों मैं भी फरमाइश कर लूं, कंडे उत्ते मेहरमा वे, वो मैं करोड़ बारी सुने, मैं कंडे ते बह के भी सुने।